जय जिनेन्द्र। मैं शिवांगी आत्मा चैनल पे प्रसारित धार्मिक समाचार देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज के धार्मिक व सामाजिक समाचार इस प्रकार हैं। पंजाब श्रेणी परम पूज्य साध्वी श्री प्रमोद श्री जी महाराज साहिब जी के सुशिष्याएं साध्वी श्री प्रीति रत्ना जी महाराज साहिब थाने 3 लुधियाना के दरिसी स्थित धर्म कमल हॉल में चातुर्मास हेतु विराजमान है तथा साध्वी भगवंतों द्वारा भक्तों को निरंतर प्रवचनों द्वारा निहाल कर ज्ञान का प्रकाश प्रदान किया जा रहा है। लुधियाना से सोनू की रिपोर्ट। लुधियाना के किदवाई नगर स्थित श्री शिव शक्ति मंदिर में केरला के लोगों ने अपने आराध्य को मिलने की खुशी में ओणम का त्योहार मनाया। कार्यक्रम में विधायक संजय तलवार तथा विधायक सुरेंद्र डावर बतौर मुख्य मेहमान के तौर पर शामिल हुए। इस मौके सैकड़ों की गिनती में केरला के लोग भी शामिल हुए। स्पेशली सुनील जी और इन्हें सारी केरला की टीम का धन्यवाद करता। इन्होंने मैं आज के इस प्रोग्राम से बुला के जरा मान सम्मान दिता और स्पेशली जो सा केरला तो परिवार आए हैं लुधियाने, चाहे वह CMC होस्पिटल सेवा कर रहे, चाहे स्कूल की सेवा कर रहे, चाहे वह चर्चिज की सेवा कर रहे। मैं उन्होंने अज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देना, सारे हैप्पी ओनम। वो नाल नाल एक एग्जाम्पल जी स्पैशल हिंदुस्तान केरला के परिवारों द्वारा एक एग्जाम्पल सैट की गई है कि जिहो जी सिंपलीसिटी, जिहो जी एजुकेशन, जिहो जी शराफत इन्हों लोगों को, इन परिवारों को, सानू इन्हों तो कुछ ना कुछ सीख के इन्हों चीज़ों को अपने अंदर लैके आना चाहिए। मेरा नाम एलेक्स है, मैं उदय केरला आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स क्लब का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हर साल हम केरला के लोग जो लुधियाना में रहते हैं, पंजाब में जो रहते हैं, ओणम जो देशीय त्यौहार है हमारे केरला का, वो मनाया जाता है अपने लुधियाना में। तो इस साल भी हम ओणम मना रहे हैं। पिछले साल केरला में बहुत बड़ी बाढ़ आए थे तो इसी करके उसके दुख के कारण हमने ओणम नहीं मनाया था, पर इस साल हम सारे दुख वगैरह भूल कर जीवन शुरू कर अपने लुधियाना में ओणम का त्यौहार मना रहे। लुधियाना से बलवीर मल्होत्रा की रिपोर्ट। आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें नशे और गौ माता की सुरक्षा के लिए विशेष तौर पर विचार विमर्श किए गए। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए हरिद्वार से आए हुए संतों ने कहा कि हमारी नौजवान पीढ़ी नशे के दलदल में घुसती जा रही है। हमारी पंजाब सरकार और सेंट्रल सरकार से अपील है कि नशा बेचने वालों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जाए। इस मौके उनका और क्या कुछ कहना रहा, आइए आप भी सुनिए। संतों की बैठक में 3 मुद्दों पर चर्चा हुई है, नशा, धर्मांतरण और गायें। नशे के लोग के बजरंग दल ने एक पंजाब में एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया है, जिस पे आने वाले 2 वर्षों में जो है पंजाब नशे पे काम करेगा। 9 सूत्री एजेंडा एक तैयार किया है। विश्व हिंदू परिषद की दृष्टि से पंजाब को 30 जिलों में बांटा गया है और हर एक ज़िले से हम एक बस्ती गांव का जो है चयन किया है हमने। लुधियाना से विकास भांबरे की रिपोर्ट। पंजाब लुधियाना के फिरोज गांधी मार्केट में आज स्वर्गीय परमिंदर सिंह की याद में एक NGO की शुरुआत करते हुए गरीब परिवार को राशन वितरित किया गया। इस दौरान लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर सुखपाल सिंह बराड कार्यक्रम में मुख्य मेहमान के तौर पर उपस्थित हुए। इस मौके पर स्वर्गीय परमिंदर के परिवार ने बताया कि हमारा मकसद गरीब व असहाय लोगों की मदद करना है। आज फिरोज गांधी मार्केट दे विच हमारा विश्वास NGO शुरू की गई है परमिंदर सिंह दे एक नाम तो, मेरा दोस्त, मेरा भरा, मेरी जान से भी जड़ा सानू आज तो 2-3 महीने पहले छड़ के रब दे चरणा दे विच चला गया। तो वो यंग एज कुछ भी नहीं, आज खान पीन भी सारा सही। लुधियाना से विकास भांबरी की रिपोर्ट। रेट्रो रिवाइंड और रिप्ले थीम पर फैशन का जलवा बिखेरा गया, ऐसा नज़ारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी की ओर से लुधियाना के फिरोजपुर रोड के एक रेस्टोरेंट में फ्रेशर पार्टी में देखने को मिला। इस मौके पर सीनियर्स ने इंस्टीट्यूट में आने वाले नए विद्यार्थियों का स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत मिरिया और आरुषि की ओर से गणेश वंदना की प्रस्तुति की गई। Hello everyone, we have completed our fashion designing course from IIFT and today is our freshers party come farewell party and we are very much excited and happy about the ambience of today. Hello everyone, Santhya Goyal,
आज हमारी फ्रेशर्स कम फेयरवेल पार्टी है एंड वी आर सो एक्साइटेड एंड वी आर वेरी ब्लेस्ड टू बी पार्ट ऑफ IIFT. हेलो एवरीवन, आई एम गीता नागर, डायरेक्टर IIFT लुधियाना सेंटर. And today we are having our freshers party, which is a very much awaited event of the year. Miss Fresher, Mr. Fresher, and Best Outfit Awards. And along with that, the senior students will get Student of the Year Awards. लुधियाना से बलबीर मल्होत्रा की रिपोर्ट. शाहकोट के बस स्टैंड की नई बिल्डिंग की शुरुआत का उद्घाटन हल्का विधायक हरदेव सिंह लाडी शेरोवालिया जी ने अपने कर कमलों से किया. इस मौके उन्होंने कहा कि हम शाहकोट को एक मॉडल सिटी बनाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे. इस मौके उनका और क्या कुछ कहना रहा, आइए आपको भी सुना देते हैं. हाँ जी, हाँ जी सर. आज शाहकोट शहर के जी बड़े लंबे समय तो जरूरत सी, साढ़े इतने बस स्टैंड नहीं सी प्रॉपर हैगा, अच्छ असी नींह पत्थर रखा सारे MC साहबान प्रधान साहब शहर के सारे पतवंते सज्जनों के सहयोग न और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी दे सानू जिहड़े फंड भेजे पंजाब सरकार ने 60 लाख रुपया ये आया जी. 60 लाख दे विच भी नहीं पूरा होगा, असी होर भी जिन्ने फंड सानू इत्थे चाहिए होवे वधिया बस स्टैंड बना के लोगों के सपोर्ट करेंगे. शाहकोट से लखबीर साबी की रिपोर्ट. लुधियाना के एक निजी होटल में मिस एंड मिसेस कोहिनूर इंडिया 2019 का फाइनल राउंड हुआ. बॉलीवुड और पॉलीवुड के मशहूर एक्टर राणा जग बहादुर इस इवेंट की शोभा बढ़ाने के लिए पहुंचे. इस मौके उन्होंने कहा कि इस तरह के शो पंजाबियत को दर्शाते हैं और पंजाबी मात बोली को भी आगे बढ़ाने में मदद करते हैं. सत श्री अकाल जी, मैं थोड़ा अपना निमाणा जिहा कलाकार राणा जग बहादुर. होटल V2Beach इत्थे मिस एंड मिसिज कोहिनूर इंडिया पंजाबन का फैसटिवल हो रहा जिदे विच टैलेंट राउंड चल रहा, तो मैं इस संस्था के नाल मिस एंड मिसिज कोहिनूर इंडिया के पंजाबन जिहड़ा है प्रोग्राम ये नाल पहला तो भी जुड़िया हुआ. पटियाले कॉन्टेस्ट होया सी, बड़ी धूमधाम नाल ओ होया सी, ते बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम सी, ते मैं अज इत्थे लुधियाने दे विच इस दा हिस्सा बनिया. मैं चाहुंना कि साडे पंजाबी कल्चर नूं असी बहुत ज़्यादा तो ज़्यादा प्रमोट करिए, पंजाबी बोली अपनी माँ बोली और पंजाबी कल्चर नूं असी दुनिया दे विच एकदम प्रमोट करिए, तां कि जदों तक इह धरती है साढ़े पंजाब का ना, पंजाबी बोली का ना और पंजाबी कल्चर का ना रही दुनिया तक रहे. मैं मनजीत सिद्धू चंडीगढ़ तो, मैं एक फैशन डिजाइनर हाँ. मैं हूँ ही लास्ट मंथ ही एक फैशन अवार्ड जितया 2019 मिसिज इंडिया एंड हूँ एकदम वैसटन इंडो वैसटन तो मैं कल्चर देखा उत्थे. मैं पंजाब चुन आ के मिसिज एंड मिस कोहिनूर पंजाबी 2019 च नैन्सी कुमन जी ने मैनू ये मौका दिता है ज्यूरी दे विच, जो कि मैं देख के बहुत प्राउड फील कर रही हूँ अपने आप में इस कल्चर दे नाल जुड़न नाल. मैं पंजाब च ही पैदा हुई हूँ बट जो मैं इत्थे सभ्याचार देख रही हूँ आई एम रियली अमेज्ड टू सी दिस. लुधियाना से बलबीर मल्होत्रा की रिपोर्ट. खबर नकोदर से है. यहाँ पुलिस स्टेशन के बाहर लोगों ने इकट्ठे होकर धरना लगाया व पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. इस मौके प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हमारे गांव में शरेआम केमिकल से बनी नाजायज शराब बिक रही है, परंतु पुलिस प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सो रही है और इस केमिकल शराब के कारण हमारे गांव में 25 से 30 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है. जब इसके बारे में सिटी थाना प्रभारी मोहम्मद जमील जी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से पूरी सख्ती से कार्रवाई की जा रही है व कई लोगों पर पर्चा भी दर्ज किया गया है. हाँ जी भाई, तुहाडा नाम? मेरा नाम रामदास, सरपंच पिंड महूवाल तो. अच्छा, साडे पिंड जिहड़ी नजायज दारू आ इह घट तो घट 10 साल तो बिक रही आ ते इहदे नाल घट तो घट 25 तो 30 मौतां जिहड़ियां साडे नगर जो गईआं जिन्हां दे सुहाग उजड़ गए, ओह बीबियां वी साडे नाल आईआं आ. पुलिस प्रशासन तो असीं आईदा आ
ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਦਿਓ, ਮੁਹੰਮਦ ਜਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਐਸ ਐਸ ਓ ਸਿਟੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰੋ, 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਵੀ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸੀਂ 50-60 ਵਾਰੀ 8-10 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰ ਅੱਜ ਨਕੋਦਰ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਚਲੋ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਰ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਊ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰੇੜਾ ਵੀ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ, ਪਰਚੀ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੇਚਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰੋਪ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬੰਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਤੋਂ FIR ਲੌਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਨਕੋਦਰ ਸੇ ਪੁਨੀਤ ਅਰੋੜਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। खबर लुधियाना के जोधेवाल बस्ती चौक से है जहां पर सोमवार को मार्केट एसोसिएशन ने नेशनल हाईवे पर धरना लगा प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले लगभग 10 सालों से पुल का निर्माण कार्य चल रहा है जो कि कछुआ चाल की तरह चल रहा है जिस कारण यहां जाम लगा रहता है जिससे उनका कामकाज बिल्कुल ठप हो गया है। इस मौके गुस्साए लोगों ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको भी सुना देते हैं। सारे दुकानदारों ने इकट्ठे होकर हजारों की तादाद में ਇੱਥੇ ਜਾਮ ਲਾਇਆ, ਲੋਕ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰਿਜ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਪੱਥਰ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਕ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਪੱਥਰ ਲਾਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲਿਓ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਜੋਧੇਵਾਲ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਅਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੀਚੇ ਚੱਕ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਐਨ ਐਚ ਏ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਏਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਈਡ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਈਡ ਇਹ ਸਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ, 23 ਅੱਜ 23 ਹੈ, 24 ਤੇ 25, 26 ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ 26 ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਡ ਚੱਲ ਪਏ ਸਿੰਗਲ ਵਾਲਾ। लुधियाना से विकास भामरे की रिपोर्ट। लुधियाना से कुछ दिन पहले स्कूल के 2 बच्चों का बिजली का काम करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था। यह वीडियो काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। इस वीडियो की सच्चाई जानने के लिए हमारी टीम ने वायरल वीडियो में दिख रहे बच्चों तक पहुंचकर जब जानकारी हासिल की तो सच्चाई वीडियो के बिल्कुल उलट थी। वास्तव में ये विद्यार्थी स्कूल की छुट्टी के बाद पार्ट टाइम में बिजली के उपकरण रिपेयर करने का काम करते हैं और शरारती अंसर द्वारा यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया था और अब यह चर्चा का विषय बना हुआ है। लुधियाना से विकास भामरी की रिपोर्ट। बजाज ऑटो लिमिटेड ने हाल ही में अपनी पॉपुलर पल्सर लाइनअप में एक नया मॉडल बजाज पल्सर 125 नियॉन जोड़ा था। यह इस लाइनअप की सबसे सस्ती बाइक बताई जा रही है जिसकी एक्स शोरूम कीमत 66,714 रुपए है और आज इम्पैक्ट बजाज शेरपुर चौक लुधियाना द्वारा पल्सर 125 लॉन्च किया गया जिसके संबंध में प्रेस को तमाम जानकारियां भी साझा की गयी। बहुत ही अच्छी, मतलब कि अच्छी लगी मेरे को उनकी, मतलब लॉन्चिंग बहुत ही अच्छी है एंड देन जो रिस्पेक्ट इन्होंने दिया है लॉन्च के लिए, मुझे बुलाया, बहुत अच्छा लगा मेरे को उनके साथ आके, इनका नेचर एंड बहुत अच्छे है बजाज वालों का, काफ़ी अच्छा लगा मेरे को यहाँ पर। सर मैं जूडो की प्लेयर हूँ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ, देन अभी मेरा जो गोल है वो इंडिया के लिए मेडल है, देन इंडिया के लिए ओलंपिक के लिए अभी मैं तैयारी कर रही हूँ और होप सो मेरी सिलेक्शन हो जाए और क्या बोलते हैं आगे के लिए मैं अब अपने मॉम डैड का थैंक यू करती हूँ, मैं यहाँ तक उन्होंने मेरे को पहुँचाया है।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇੰਪੈਕਟ ਏਜੰਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਲਸਰ 125 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਸ ਪ੍ਰੀਆ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਿਸ ਪ੍ਰੀਆ ਜੂਡੋ ਨੂੰ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਖੇਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮੈਡਲਸ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਇਟਲੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਸਿਟੀ ਹੋਮ ਨਿਊਜ਼। ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਸੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਲਾਲ ਵਿਮਲ ਚਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਜੈਨ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇ ਆਦਰਣੀ ਦਮਾਦ ਸ਼੍ਰੀ ਜਨੇਂਦਰ ਜੈਨ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਜੈਨ ਜੰਮੂ ਵਾਲੇ ਕਾ ਅਕਸਮਾਤ ਨਿਧਨ ਦਿਨਾਂਕ 21 ਸਤੰਬਰ ਕੋ ਜੰਮੂ ਮੇਂ ਹੁਆ, ਜਿਨਕੇ ਨਿਮਿਤ ਸਨੋਨੀ ਅੱਜ ਜੈਨ ਸਥਾਨਕ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੇਂ ਥੀ। ਅੱਜ ਕੇ ਸਮਾਚਾਰ ਬਸ ਯਹੀ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਸ਼ਿਵਾਂਗੀ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਂਗੀ ਕੁਛ ਨਏ ਧਾਰਮਿਕ ਵ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਚਾਰੋਂ ਕੇ ਸਾਥ। ਤਬ ਤੱਕ ਆਪ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਆਤਮਾ ਚੈਨਲ ਕੇ ਸਾਥ। ਜੈ ਜਨੇਂਦਰ।